दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मेरी माँ ने जो बातें कही मेरे लिए, माँ एक ऐसा रिश्ता होता है कि उसका कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। और वाकई मैं आप लोगों को बताऊं, मैं दावा कर रही हूं यहां पे बैठ के कि मैं आपकी सहेली बनूंगी, लेकिन यकीन कीजिए कि मेरी माँ जो है वो मेरी बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि वाकई मेरी सबसे पहली सहेली, और एक ऐसी सहेली जिससे मैं बहुत लड़ती भी हूं, बहुत प्यार भी करती हूं। वो एक ऐसी सहेली है कि बस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि किन किन लम्हात में कब कब उन्होंने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो शायद कोई सोच सकता है। और मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उनका मुझे बर्दाश्त करने का और मुझसे प्यार करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह जो आपकी उम्मीदें हैं मेरे साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको मैं पूरा करूंगी। अच्छा, इसके इसके बाद अब एक और विश है, एक और माँ मेरी ज़िंदगी में जो है मेरे हस्बैंड की मदर, कहती मैं उनको आंटी हूँ मगर वो भी मेरी एक सहेली हैं, क्योंकि वो भी अपने दिल की हर बात मुझसे कहती हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने मुझे इस शो के लिए क्या कहा है। लेट्स हैव अ लुक। रोज पिछले कई दिनों से अपने मॉर्निंग शो के लिए बहुत मेहनत कर रही है। अरूज बेटे, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। हम वापस आ गए और आपने देखा कि वाकई में बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उफ़ ये बहू और सास का कैसा रिश्ता होगा, मगर यकीन कीजिए कि जितनी जितना शफ़क़त और जितनी प्यार और जितनी मोहब्बत वो मुझे देती हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन एक महीने से मैं इस कदर मसरूफ़ हूँ कि ना घर में मैंने कोई खाना बनाया, और यकीन करें जैसे मैं घर जाती हूँ तो सीधी मैं कहती हूँ आंटी आज क्या खाने में बना हुआ है, और आंटी मेरे लिए पता नहीं कभी कबाब फ्राई कर रही होती हैं, कभी चाइनीज़ बनवा के उन्होंने रखा होता है। तो ये एक ऐसी सपोर्ट है जो आपको घर से जब मिलती है ना, तो आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ घरेलू ज़िंदगी बल्कि बाहर की ज़िंदगी भी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और मैं आपको यकीन करें एक बात बड़े दावे से कह सकती हूँ कि आप चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप कामयाब उस वक्त तक हो सकते हैं, तभी हो सकते हैं जब आपके घर वाले आपको आपका साथ दें, आपके साथ खड़े हों। अगर घर पर लोग नाराज़ हैं और आप दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ज़रा थोड़ा सा नामुमकिन भी लगता है और आर्टिफिशियल भी लगता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने घर वालों को सहेली बनाएं, अपने घर वालों के साथ एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें ताकि आप बाहर वालों को भी पॉजिटिव एनर्जी दे सकें। अच्छा जी, अब किसके कमेंट्स हैं ये चलें, आई विल जस्ट गिव यू अ सरप्राइज, लेट्स हैव अ लुक। जानते हैं कि अरूज अपना नया मॉर्निंग शो स्टार्ट कर रही हैं। अरूज के लिए ये डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो आजकल हमारे मॉर्निंग शो हो रहे हैं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब देमसेल्व्स एज वेल, लेकिन हम लोग आई थिंक अपने जो है जो चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए उससे हम हट रहे थे कि हम प्रॉब्लम्स तो बता रहे थे लेकिन उनका सलूशन हमें नहीं मिल रहा था। तो इसलिए अरूज ने फोकस जो किया है वो पाकिस्तान की ख़वातीन को किया है, उनके मसले मसाइल को किया है। Aruj, I have seen you work. I think you have done a fantastic job before as well, and I'm proud of you. I'm right behind you in every step, and I know this show is going to make a difference. All I have to say to you is just have faith in God, give it your best shot, and I know that you're going to be one of the best. I love you, and I'll wish you all the best. ओके, आई लव यू टू माई हस्बैंड। ये वो एक ऐसा शख्स है कि जो अगर मुझे सपोर्ट ना करे तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। और आप यकीन कीजिए कि जब मैंने शुरू में बात कही ना कि मैं अपनी सहेलियों का, अपने चाहने वालों का, अपने दोस्तों का ख्वाब जी रही हूँ, तो ये जो शख्स हैं जिनका नाम आसिफ है और जो कि मेरे हस्बैंड हैं, आप यकीन कीजिए ये इनका भी ख्वाब था। और ये इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बहुत, जैसे कहते हैं ना, पीछे से पुश किया है कि नो यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू मेक सम डिफरेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और आपकी सपोर्ट मुझे सारी ज़िंदगी चाहिए होगी। और मैं ये भी बता दूं कि अगर इन्होंने मुझे सपोर्ट ना किया तो मैं छोड़ दूंगी ये शो, बिकॉज इनकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि घर को खुश रखना और उसके बाद लोगों को खुश रखना
आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए. तो ये वो लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ये वो लोग हैं जो मुझे स्ट्रेंथ देते हैं, ये वो दुआएं हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्यार करने वाले हैं जो मेरे लिए विशेस कर रहे हो, और यकीन कीजिए ये दुआएं हैं जिनकी वजह से सब कुछ चलता रहता है और अल्लाह की ज़ात अच्छी हवाएँ चला देती है, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते. यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं बताती चलूँ कि हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट्स होंगे. वो तमाम गेस्ट्स जिनसे आपकी मुलाकात होगी हर हफ्ते, कुछ लोगों से हर हफ्ते मुलाकात होगी, कुछ लोग आपको हर रोज़ मिला करेंगे, मगर आज अपने इस पहले शो में हमने सोचा कि किसी गेस्ट को बुलाने की बजाय, किसी सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाने की बजाय, हम इन तमाम लोगों से आपका इंट्रोडक्शन करवा दें और हम आपको मिलवाएं उन तमाम लोगों से कि वो कितने पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो यहाँ पे आए हैं, और वो भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम पूरे मुल्क को, कौम की खिदमत कर सकें, और किसी ना किसी तरीके से हम सहेलियों की और उनसे जुड़े तमाम लोगों की मदद कर सकें. और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है. अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो आप JS के लिख कर स्पेस देंगे, उसके बाद आप अपना मैसेज, अपना नाम लिखेंगे और आप सेंड करेंगे 2886 के ऊपर. अगर आप हमें ख़त लिखना चाहते हैं तो PO Box 5121 है, और अगर ईमेल करना चाहते हैं तो वो है जी js@a-plus.tv. अब ब्रेक का वक्त हो गया है. ब्रेक के बाद हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट से मिलवाएंगे और उनसे बहुत सी बातें करेंगे.